अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। देखिए दोस्तों, आज अपने वीडियो में आप लोग को बेड शीट की डिज़ाइन बनाना बताएंगे। तो इससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके और आप लोग देख सकें हमारी हर नई वीडियो। तो देखिए दोस्तों, हमने कुछ बचे हुए कपड़े लिए हैं आप लोग को समझाने के लिए। इसमें हमारे बचे हुए कपड़े हैं, देखिए हमने दो कलर कपड़े लिए हैं, लाल और हमारा सफ़ेद, दो कलर हमने लिया है। तो देखिए दोस्तों, हम इसकी कटिंग करना पहले बताएंगे आपको, उसके बाद स्टिचिंग बताएंगे। तो देखिए, हमने ये कपड़ा लिया है जो हमारा वाइट है, पहले हम इसे बराबर से मोड़ लेंगे इस तरीके से, देखिए सही कर लेंगे, बराबर से मोड़ लेंगे। उसके बाद हम इसकी चौड़ाई लेंगे 3 इंच, देख सकते हैं आप लोग, इसी तरह से हम 3 इंच ऊपर और नीचे बराबर कर लेंगे इस तरीके से। देखिए, आप लोग चाहें तो फाड़ भी सकते हैं, तो हम आपको काट के दिखा दे रहे हैं। देखिए, हम 3 इंच का पट्टी काट लेंगे इस तरीके से, और जो ये वाला हमारा है रेड वाला, इसको भी हम इसी तरीके से काटेंगे। इसको हम रख लेंगे, इस पट्टी को जिसको हमने काट लिया है ऊपर रख के, उसके बाद इसी बराबर हम काट लेंगे, इसको बिल्कुल बराबर ही रहना चाहिए, छोटा बड़ा ना हो। तो देखिए दोस्तों, हमारी कटिंग हो चुकी है पट्टी की, तो हम इसको अब और डिज़ाइन काटना बताएंगे। तो देखिए, पहले हम इसको बराबर कर लेंगे और फिर इसको हम इस तरीके से मोड़ लेंगे और हम इसको चारकोन करके काट लेंगे। देखिए, हमारा चारों कोना बराबर होना चाहिए, इसी तरीके से हम 8 टुकड़े काटेंगे। तो देखिए, इस तरीके से हम इसे इसके ऊपर रख के काट लेंगे बराबर से, देखिए इस तरीके से हम काट लेंगे। देखिए, देखिए हमारी 8 पीस हो चुकी है, और फिर इसके बाद हम एक पीस इसमें से निकाल लेंगे और फिर ये रेड वाला जो हमारा है इस पर रख के बराबर से हम काट लेंगे। ये डिज़ाइन हम दिल के आकार में बनाएंगे, बिल्कुल दिल की तरह दिखेगा। देखिए, इस तरीके से हम इसको भी 8 पीस काट लेंगे, 8 पीस काटना है हमको। देखिए, दोनों हमारा 8 पीस हो चुका है, 16 पीस हम पूरे 16 पीस लेंगे, पीसेस हमारी है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से 2 पीस निकाल लेंगे और इसमें से भी हम 2 पीस निकाल लेंगे, दोनों में से हम 2-2 पीस निकाल लेंगे, अलग कर लेंगे। देखिए, इस तरीके से हम बराबर कर लेंगे बिल्कुल, और उसके बाद इस तरीके से कोने में कोना मिला करके हम कटिंग कर देंगे बीचों बीच से। देखिए आप लोग, इस तरीके से बिल्कुल बराबर से काटना है, और वाइट वाला भी हम इसी तरीके से काट लेंगे। देखिए, इस तरीके से हम इसको भी मोड़ लेंगे और हम बीचों बीच से काट लेंगे। देखिए, हमारी एक कट चुकी है, अब हम इसको जो हमने निकाल लिया है पट्टी 4 2-2 करके, इसको हम 1/2 इंच छोटा करेंगे इस तरीके से, हम 2.5 इंच कर लेंगे। आप लोग ज़्यादा कपड़ा काटेंगे तो पहले ही आप इसकी पट्टी अलग काट लें, 2.5 इंच की, 3 इंच की इसकी काट लें, तो आपको बाद में काटना नहीं पड़ेगा। देखिए, इस तरीके से हम बिल्कुल बराबर करके काट लेंगे। पहले आप 2.5 इंच का अलग पट्टी निकाल लेंगे तो सही रहेगा, बाद में आपको काटना नहीं पड़ेगा। देखिए, इसको भी हम इसी के बराबर कर लेंगे, हमने सिर्फ आपको समझाने के लिए दिखाया, इसीलिए हम इसकी बाद में कटिंग कर रहे हैं। तो देखिए, हमारे 4 पीस कट चुकी है, इसको हमने छोटा कर लिया है 2.5 इंच का, 1/2 इंच छोटा इस वाले से। तो देखिए, अब हम इसकी सिलाई करेंगे, तो क्या करना, हमें एक वाइट और एक रेड लेकर इसको बीचों बीच से ज्वाइंट कर देना है। देखिए, इस तरीके से, इसी तरीके से हमें पूरे पीसेस को जोड़ना है। देखिए, इसी तरह जुड़ने के बाद दिखेगा, तो इसी तरीके से हम सभी पीसेस को जोड़ लेंगे बिल्कुल बराबर करके। देखिए, इस तरीके से हम जोड़ लेंगे, उसके बाद जोड़ने के बाद ही हम डिज़ाइन को बनाएंगे।
बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल तरीके से। तो देखिए हमारी जॉइंट पूरी हो चुकी है, आप लोग देख सकते हैं। देखिए इस तरीके से हमने पूरे पीसेस को जोड़ लिया है। उसके बाद हम आपको बता रहे हैं, देखिए इस तरीके से हम पहले रखेंगे, रेड वाला मिलाना है रेड में इस तरीके से, देखिए ऊपर और नीचे इस तरीके से होना चाहिए। उसके बाद हम पकड़ के बराबर से इस तरीके से हम सिलाई ले लेंगे। देखिए हमारी ज्वाइंट जो ऊपर की तरफ होनी चाहिए, नीचे की तरफ नहीं निकालें आप। तो देखिए इस तरीके से हमारी ज्वाइंट हो चुकी है। उसके बाद हमने जो 2.5 इंच के पीसेज लिए थे जो, तो इसको हम किनारे किनारे इसके जोड़ लेंगे। ये बिल्कुल दिल का कोना होता है, नीचे का हिस्सा होगा ये हमारा, देखिए आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से हम इसको ज्वाइंट कर रहे हैं, आप लोग समझ सकते हैं, आप लोग देखिए और समझिए। उसके बाद हम उसी तरीके से हमको इस पट्टी को बीच वाला जोड़ना है। अब की बार हम वाइट वाला लेंगे, देखिए इस तरीके से बिल्कुल पहले की तरह इसको भी इसी तरीके से जोड़ना है। फर्क सिर्फ इतना कलर का, पहले हमारा रेड था अब वाइट रहेगा। देखिए इस तरीके से हमें इसको भी पहले की तरह जोड़ लेना है। देखिए आप लोग देखिए बिल्कुल इसी तरीके से बनेगा डिज़ाइन। उसके बाद हम पीस लेंगे, इधर लगाएंगे और एक पीस उधर। आप लोग लगाने का तरीका देख लीजिए किस तरह से हमको मिलाना है, किस तरीके से लगाना है। देखिए इस तरीके से हमें लगाना है। इसके बाद हम पकड़ के सिलाई ले लेंगे। देखिए जो हमारी जॉइंट होती है उसको ध्यान में रख के जोड़ना होता है, तभी सही दिखेगा हमारी डिज़ाइन बिल्कुल। देखिए आप लोग इधर भी हम उसी तरीके से लगा लेंगे और पकड़ के हम दोनों पीस को सिलाई कर लेंगे। आप लोग देखिए हमारी पूरी वीडियो को, तभी समझ में आएगा कि किस तरह से हमने बनाया है। देखिए ये हमारा दो पट्टी हो गया, इस हम चार पट्टी जोड़ेंगे, उसके बाद चारों एक में जोड़ लेंगे तो हमारा दिल पूरा बन के तैयार हो जाएगा। देखिए अब इसको हम रेड वाला, जिस तरह से पहले हमने रेड और वाइट जोड़ा था उसी तरह बिल्कुल अब रेड वाला जोड़ना है हमको, फिर उसके बाद वाइट वाला, बिल्कुल पीच वाला हमारा एक ही तरह रहेगा। आप लोग देख के समझ सकते, देखिए रेड वाला है वाइट फिर रेड, बिल्कुल पीच वाला उसी तरीके से एक ही तरीके से जोड़ना है हमको, कोई अलग तरीका नहीं है बीच का, बीच वाला इसी तरीके जोड़ना है। उसके बाद किनारे रख के आप देख लें किस तरह से हमको बैठाना है। हमारी वीडियो देखिए, आप लोग समझ सकते हैं किस तरीके से हम इसको बना रहे हैं। तो देखिए हम इधर और उधर दोनों तरफ रेड वाला जो हमारा पीस है, दो पीस हमारा जो रेड वाला है, हम दोनों किनारे किनारे लगा लेंगे। देखिए इसी तरीके से लगा लेंगे हम, उसके बाद रख के हम ज्वाइंट कर लेंगे। देखिए इसी तरीके से हमें ज्वाइंट कर लेना है। अब इधर भी हम इस पीस को लगा लेंगे, दोनों तरफ हम लगा लेंगे पीस को। उसके बाद हम रख के देख लेंगे, देखिए इस तरीके से हमारा बन रहा है डिज़ाइन। अब एक पीस हमें और पट्टी बनाना है, एक पट्टी और बनाना है, तीन पट्टी हमारा हो गया, एक पट्टी और बनाना है, चार पट्टी में ये डिज़ाइन बनती है। देखिए जो हमने समझाया था आपको बीच वाला, उसी तरह इसको भी सिलना है। ये देखिए हमारा ये अब वाइट वाला रहेगा, देखिए बिल्कुल उसी तरीके से इसको भी सिलना है। बीच वाला हमारा एक ही तरह रहेगा, एक ही तरह इसी को ज्वाइंट करना है, अब किनारे किनारे भी सिर्फ बदलना है हमको। देखिए इस तरीके से हमें बीच वाला भी सिल लेना है। आप ज्वाइंट को सिर्फ ध्यान दें, देखिए इस तरीके से हमें रख लेना है। देखिए जो हमारा पीछे वाला हमने सिला है, देखिए पहले हमारा रेड है फिर वाइट फिर रेड है फिर वाइट, इसी तरीके से हमें बीच वाला एक ही तरीके से बनाना है। देखिए अब आप जो हमारा ऊपर वाला है, जो किनारे के पीस लगाएंगे हम, देखिए नीचे की तरफ कोना बनाते हुए ऊपर कोना हमारा रहेगा, कोना बनना चाहिए, देखिए इस तरीके से कोना बनना चाहिए। रख के देख लीजिए पहले, तो उसके बाद सिलिए। तो देखिए हम पहले रख के देख रहे हैं, उसके बाद हम आपस में मिलाएंगे, उसके बाद सिलाई कर देंगे।
देखिए जो हमारी ज्वाइंट होती है उस पर ध्यान देना चाहिए। जब हम जोड़ेंगे तो जो हमारी ज्वाइंट होगी वो ऊपर की तरफ ले लेंगे, बाहर की तरफ नहीं निकालना है, अंदर की तरफ लेना है, तभी सही दिखेगा। ये सब डिज़ाइन होती है सिलाई पे ही निर्भर होती है, तभी अच्छी दिखती है। देखिए हम पहले इसमें और उसमें जोड़ लेंगे, दो पीस हम नीचे का पहले आपस में जोड़ लेंगे। देखिए इस तरीके से जो हमारा ज्वाइंट है, आप देखिए पहले हम ज्वाइंट को मिलाएंगे, उसके बाद एक किनारे से हम सिलाई लाते हुए सिलेंगे। देखिए इस तरीके से हम बराबर रख लेंगे। जो हमारा ऊपर का ज्वाइंट होगा वो अपने आगे की तरफ लेंगे और नीचे का जो है हम पीछे की तरफ लेंगे। तो देखिए आप देख सकते हैं कि हमारी ज्वाइंट है किधर जा रही है, आप लोग भी उसी तरीके से जोड़ें। देखिए हमारा एक पीस लग चुका है, अब हम दूसरा पीस लगाएंगे। देखिए ये हमारी जो तीसरी पट्टी है, अब हम इसमें सिलाई कर लेंगे। बस ज्वाइंट आप ध्यान देते रहिए आप लोग। देखिए ये हमारा इधर रहेगा और नीचे वाला उधर रहेगा। तो देखिए इस तरीके से फिर हम बराबर करेंगे, सिलाई लेंगे, ऊपर की जो ज्वाइंट होगी वो हम अपने आगे की तरफ लेंगे और नीचे की पीछे की तरफ लेंगे। ये सब जो डिज़ाइन बनती है कपड़े की वो सिर्फ जो हम सिलाई को सही लगाएंगे तभी खूबसूरत दिखती है, नहीं तो इधर उधर हो जाती है तो बिल्कुल भी सही नहीं दिखती। देखिए हमारा तीसरा पीस भी लग चुका है, अब हम चौथा पीस लगाएंगे। देखिए देखिए पीछे वाला इसी तरीके से हम एक ही तरह बनाना है हमें। देखिए लोग समझ पा रहे हैं कि जो हमने पीछे वाला लगाया है एक ही तरह से। तो देखिए हम चौथा वाला पीस भी सिल लेंगे तो हमारी डिज़ाइन पूरी हो जाएगी। आप लोग सिर्फ ज्वाइंट का ध्यान रखें। देखिए ये जो हमारा निकल रहा है वो आगे की तरफ रहेगा। जो ज्वाइंट होती है बस ज़्यादातर आप लोग उस पर ध्यान देंगे तभी डिज़ाइन बहुत ही अच्छी बनेगी, नहीं तो बिल्कुल ही नहीं सही बनेगी। तो आप लोग देखते रहिए कि हमारी जो ज्वाइंट है हम किस तरीके से बना रहे हैं। तो देखिए जो हमारी इधर की है हमने अंदर कर लिया है और उधर का हमने इधर कर लिया है। तो देखिए चारों पीस लगने के बाद, चारों पट्टी लगने के बाद हमारी डिज़ाइन पूरी हो गई है, आप लोग देख सकते हैं। तो देखिए अब हम बीच वाला आप लोग जो देख रहे हैं इसी तरीके से बनाना है और हम किनारे किनारे पे देख के लगा देंगे। और उसके बाद देखिए हमारे जो हम किनारे किनारे एक पट्टी लगा दे रहे हैं, हम इसको नाप के नहीं बता रहे हैं किस लिए कि इसी तरीके से हम बस लगा दे रहे हैं पट्टी। आप लोग अपने बेडशीट में जितनी आपकी पट्टी की ज़रूरत हो आप लोग नाप के उसी तरीके से लगाएं, उतना ही लें। इसी तरीके से आप चारों तरफ पट्टी लगा लें। तो देखिए हम इसी तरीके से पट्टी लगा दे रहे हैं चारों तरफ। हमने इसको नाप के नहीं दिखाया आप लोग को, हमने सिर्फ वैसे ही आप लोग को लगा के दिखा दिया है। आप लोग नाप के समझ के लगाएं पट्टी को। देखिए हमारी डिज़ाइन बन के तैयार हो चुकी है। देखिए बहुत प्यारी भी लग रही है, इसका कलर भी बहुत खिल रहा है। देखिए हमारी पट्टी जो है, जो हमारी डिज़ाइन है बनाने के बाद ही पट्टी लगती है। तो इसी तरीके से आप पूरी डिज़ाइन को बना लें, उसके बाद एक एक पीस जोड़ लें पट्टी लगा के। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि आपके दोस्तों को भी इसी तरीके का डिज़ाइन का इंतज़ार रहता है। तो आप लोग ज़रूर पहुँचाएँ अपने दोस्तों तक, शेयर करें। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। दोस्तों फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय।